हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2022-23 के बारे में आपको बताएंगे। सेशन 2022-23 में आपको फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग सेशन 2022-23 में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि इस साल यानी कि सेशन 2022-23 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म फिल करते समय, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ताकि आप लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यूपी स्कॉलरशिप की कंप्लीट जानकारी कहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं फॉर्म फिल करते समय, यानी कि जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के सीरियल नंबर या फिर जो उसका एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लिए, लिंक्स इन सभी के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, सिंपली उस पर क्लिक करिए, फॉलो कर लिए, क्योंकि वहां पे भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग यूपी स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहां से ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहां पे सिंपली नीचे आना है, जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग एक कॉलम देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022-23। आपको प्लीज पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहां पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहां पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे देखिए आप लोग देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटर सारी चीजें, प्लस यहां पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो यहां से आप लोग कंप्लीट जानकारी यूपी स्कॉलरशिप की ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ, आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ से स्कॉलरशिप की जानकारी लेनी है, कहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार करके रख रखी है मोबाइल में। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ आता है पहले फोटो, ठीक है, यानी कि फोटो तो आपको लगाना ही पड़ेगा, यानी कि एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फोटो तो कॉमन है, यह आपको पता होगा। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आधार कार्ड विद मोबाइल नंबर लिंक, ठीक है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें फादर की स्पेलिंग, आपका जो आपकी स्पेलिंग वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, प्लस वो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, तभी आप लोग अपना फॉर्म आगे फिल कर सकेंगे। जो छात्र रिन्यूअल फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी, मगर जो छात्र इस साल नए एडमिशन्स हुए हैं, यानी चाहे वो BTech में हो, MBA में हो, या फिर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर अदर देन इंटर, उनको ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करके रखिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो OTP जाएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म आगे का खुलेगा, तभी आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहां पे आपको जब तक आपका पेमेंट नहीं आता तब तक आपको पल पल की अपडेट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है, यानी कि अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका नेम वगैरह आप 10th की मार्कशीट के बेस पर डालेंगे, प्लस आपको 12th क्लास के मार्क्स भी डालने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, तो आपको 10th 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो छात्र सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में बीटेक के या किसी भी कोर्स के सेकंड ईयर में, तो उनको उसके प्रीवियस ईयर के रिजल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि 10th और 12th की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, प्लस अगर आप लोग बीटेक सेकंड ईयर के छात्र हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के अपलोड करने हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल भी इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो उन छात्रों को मैं अपडेट दे दूं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर यानी कि ओवरऑल फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपलोड करने होंगे, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है, जो सालाना आय है, वो कितनी है, वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करनी पड़ेगी। यानी कि आपकी 1 लाख है, 1,20,000 है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। प्लस जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जारी होने की डेट क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 साल अगर हो चुके हैं आपके इनकम सर्टिफिकेट हो, तो आप लोग न्यू बनवाकर उसे लगाइए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छात्र गलती करते हैं कि भाई इनकम सर्टिफिकेट हमने नहीं बनवाया सर, अब क्या करें, अपडेट निकलने वाली, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिए, ताकि आप लोग अगस्त तक अपना फॉर्म ईजिली फिल कर सकें, ठीक है। आप इनकम सर्टिफिकेट अपनी मदर का भी लगा सकते हैं, अगर इन केस आपके फादर नहीं है तो आप अपनी मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इस टॉपिक पर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, मगर अधिक जानकारी के लिए एक बार अपने कॉलेज में भी संपर्क आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मोस्टली आपको डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रखने हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर साइट नहीं चल रही है, हमारा इनकम नहीं बना, हमारा कास्ट नहीं बना, हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे सभी छात्र अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, और जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो बिना रिजल्ट के फॉर्म फिल कर दें, मगर जब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तब आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना होगा, अपने मार्क्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो आपके रिजल्ट से संबंधित हो या डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फीस स्लिप, यानी कि जो आपने अपनी फीस जमा करी है अपने सेशन में, जिस सेशन का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी जो पहली फीस आपने जमा की है, कितनी जमा करी है, और उसका फीस स्लिप का नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपको अपने उसमें डालनी होंगी फॉर्म फिल करते समय। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता दूं कि सभी चीजों की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, कोई भी आपकी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए, फादर की नेम की स्पेलिंग कभी गलत हो, क्योंकि उसमें फिर सस्पेक्ट में आपका फॉर्म चला जाता है कि आपके फादर की स्पेलिंग ठीक नहीं है। आपका नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, चाहे वो बैंक में हो, आधार कार्ड में हो, 10th की मार्कशीट में हो, 12th की मार्कशीट में, सब में एक होनी चाहिए, AEFG का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और आप लोग अपने कॉलेज में भी संपर्क करें, क्योंकि हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा करनी होती है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जब हार्ड कॉपी आप कॉलेज में जमा करेंगे तब भी आपको एक मतलब हार्ड कॉपी आपको एक फाइल बना के कॉलेज में भी जमा करनी होगी, फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की, उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा। फॉर्म फिल करने की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ, जैसे ही प्रॉपर तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।